फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके अमजदुल्ला बाग़े में खादर और अब्बू नामी दो नौजवानों पर 4 नौजवानों ने चाकू से अचानक हमला कर दिया। अब्बू का कहना यह है कि इन्हें बिला वजह के चाकू से मारा गया, हालांकि इनका कोई कसूर नहीं, ना ही ये कोई गलती किए थे। शहर में ऐसे गुंडागर्दी करने वाले अनासिर खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। कालापत्थर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या नाम इब्राहिम का नाम पूरा नाम भाई है मेरे हसन भाई है चैन बाबा है हसन है एक जने थे दो तीन दिन हावी हो गए वही एकदम मेरा हाथ पकड़ के खींच दिए खींच के चरपटा वजह क्या है वजह क्या है वजह गाड़ी चला के एक्सीडेंट एक्सीडेंट करे मेरी गलती से हुआ मैं सॉरी सॉरी बोले तो उठा के क्या मुश्किल उठाया उन्हें उठा के पच मार दी मैं भी उठाती दो तीन बार उसके आगे आती थी मेरा हाथ फूल करके पूरा चाकू को निकाले उसमें से दो तीन दिन मिल गए चैन बाबा भी था हसन भी था वो चैन बाबा में चैन लपटे हुई थी हाथ में उन्हें और पढ़ते कि मैं बेहोश हो गया थोड़ी देर में पैसा फटेगा देखो आप ऐसा निकल गया चैन बाबा हसन हफीज़ फैसल वो ऑफिस बोल के जो बच्चा था खादर बोल के मेरा भाई है कज़न ब्रदर है हमला ठहरे हुए थे आया आके मार जा उनको मेरे को भी मार जा यहाँ पर मेरा नाम अब्बू है झगड़ा काम हुआ कहीं को हुआ ये हम वहाँ पर लड़ाई हो रही थी हमला ठहरे हुए थे हम लोगों को भी मार जाओ ने हफीज और उसका भाई भी था एक ये वहाँ हुई है क्या बोलते बाग में हुई अमजदुल्ला बाग में हुई भी है लड़ाई है क्या है वजह लड़ेगी लड़ाई की वजह हम लोग से कुछ भी नहीं है नैजाइज नु मारे हुए वो चैन बाबा बोलते कहते हाथ में चैन लपट लेके मार रहे यहाँ पर मार दिए मेरे को सर पे मारे और मेरे कजन ब्रदर को खादर को हाथ पे मार दिए किससे मारे चाकू से मारे सर हाँ झगड़े की वजह क्या है वजह कुछ भी नहीं मालूम है सर हमला ठहरे हुए थे हम लोग को भी मार दिए हुए आके खाली पीली तो नहीं मारे होंगे कुछ तो वजह होंगी वजह कुछ भी नहीं है दूसरों से हो रहा झगड़ा हम लोग को मार दिए लगा कितने लोग उल्ला दोनों भाया थे हफीज और वो चैन लपट ले गए थे एक जने क्या क्या नाम है मारा सालों का हफीज और चैन बाबा हाँ चैन बाबा बोलते गए थे उनको बोल के मार रहे थे मेरे भाई को मैं छुड़ाने गया तो मेरे को भी मारे कितने जने को मारा लगे हम दोनों को लगे मेरे को यहाँ पर चाकू से मेरे भाई को मारे मेरे को हाथ से मारे और चैन से सर पे मारे नाम क्या है जो जख्मी है उनका नाम क्या है खादर है अब हालत कैसी है उनकी कंडीशन कैसी है कुछ भी नहीं है सर बेड पे लेटे हुए हैं खून रुक रहा है ब्लड अब उनकी कंडीशन कैसी है अच्छी नहीं है खराब है सर कंडीशन कंप्लेन करे हाँ सर करे काले पत्थर PS में कंप्लेन करे सर वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिला पुलिस का अच्छा मिला थोड़ा सही मिला यहाँ पर आए कोई PS है कोई यहाँ पर कॉन्स्टेबल आए हाँ आए दो सर आए दो पुलिस वाले है अरे क्या बोले हॉस्पिटल में क्या बोले कुछ भी नहीं बोल रहे ट्रीटमेंट कर रहे अंदर खबर है शहर की खबर है गाँव की खबर है सारी दुनिया की 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले 7H न्यूज